नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे वीवो प्रो कबड्डी सीजन 9 के मैच नंबर 3 के प्रेडिक्शन के बारे में, जो कि खेला जाएगा जयपुर पिंक पैंथर्स वर्सेस यूपी योद्धा टीम के बीच में, जहां पर एक तरफ दिखेंगे राहुल चौधरी, अर्जुन देसवाल, वहीं दूसरी तरफ आपको दिखेंगे प्रदीप नरवाल, सुरेंद्र गिल। तो मैच बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से। एंड तक इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिएगा, मैच रिलेटेड आपको हर वो छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, जिसकी हेल्प से आप लोग इस मुकाबले के अंदर बेहतरीन स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के अंदर टीम कॉम्बिनेशन बना शानदार अमाउंट विनिंग कर सकते हो। लाइक दोनों टीमों की स्टार्टिंग 7 क्या रहेगी, स्टार्टिंग 7 में जितने भी प्लेयर खेलेंगे उनके स्टैट्स, रीसेंट फॉर्म कैसा, लास्ट सीजन उन्होंने कैसी परफॉर्मेंस की है, इसके अलावा रेडर है तो किस साइड से रेड करेगा, डिफेंडर है तो किस पोजीशन पर खेलेगा, कौन सा वो लेस सिलेक्टेड प्लेयर है जिसकी सिलेक्शन परसेंटेज बेहद आपको कम देखने को मिलेगा इस मुकाबले में, आपके लिए ट्रम्प कार्ड गेम चेंजर पिक बन सकता है, और कौन इस मैच के अंदर बेस्ट ऑप्शन रहेगा फॉर कैप्टन वाइस कैप्टन स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग के अंदर, और कौन सी टीम इस मुकाबले को विन करेगी, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो एंड तक बस कंप्लीट वॉच करना, आपका हर कंफ्यूजन, हर डाउट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जरूर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के बाद और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स होगा, स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग की फाइनल टीम्स होगी, सब कुछ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं यूपी योद्धा के स्टार्टिंग 7 के बारे में। टीम की तरफ से कैप्टेंसी करता आपको नजर आएंगे नीतीश कुमार, जो कि गाइस राइट कॉर्नर पोजीशन पर खेलते आपको नजर आएंगे। सुमित सांगवान आपको लेफ्ट कॉर्नर पोजीशन पर खेलते दिखेंगे, लास्ट सीजन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने किया था। टीम के मेन रेडर रहेंगे सुरेंद्र गिल, जो कि गाइस लास्ट सीजन भी एज अ लीड रेडर खेले थे अपनी टीम के लिए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रही थी। ये राइट रेडर है, राइट साइड से रेड करते आपको नजर आएंगे। प्रदीप नरवाल टीम के सेकंड मेन रेडर रहेंगे, जो कि कैच लेफ्ट साइड से रेड करेंगे, लेफ्ट रेडर है। नितिन तोमर टीम के जहां पर थर्ड मेन रेडर रहेंगे और साथ ही आपको डिफेंस के अंदर भी सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, ये भी लेफ्ट रेडर है, लेफ्ट साइड से रेड करते हैं। आशू सिंह आपको राइट कवर पोजिशन पर खेलते हुए नजर आएंगे, शुभम बालियान आपको लेफ्ट कवर पोजिशन पर खेलते हुए दिखेंगे। टीम के सब्स्टिट्यूट्स की बात करें तो रोहित तोमर दिखेंगे, जो कि गाइस अगेन लेफ्ट रेडर है, तो इनके टीम में कई सारे आपको लेफ्ट रेडर देखने को मिल जाएंगे। लास्ट सीजन रोहित तोमर गाइस यहां पर 2-3 मैचेस ही खेले थे, उसके बाद इंजर्ड हो गए, फिर मैचेस नहीं खेले। रतन गौड़ा जो कि गाइस राइट रेडर है, इसके अलावा गुरदीप है जो कि लेफ्ट कवर और राइट कवर दोनों पोजीशन पर खेल सकते हैं, जिस तरीके से टीम को जो भी नीड होगी उस हिसाब से अपने आप को सेटल कर सकते हैं। जयदीप शर्मा की बात करें गई, जो कि पटना पायरेट्स के लिए खेला करते थे, इस बार ये गए जहां पर यूपी योद्धा टीम के अंदर आपको दिखेंगे, ये लेफ्ट कॉर्नर पोजिशन पर खेलते हैं और मुझे नहीं लगता कि इनको चांस मिलने वाला है, क्योंकि यूपी योद्धा के पास अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी गए इनके टॉप क्लास आपको दोनों कॉर्नर देखने को मिल जाएंगे, लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर। तो जयदीप शर्मा और अबुजर मेगानी, इन दोनों को आज के इस मुकाबले के अंदर काफ़ी चांसेस कम है कि इनको मौका मिलेगा। अबुजर मेगानी राइट कॉर्नर पोजिशन में खेलते हैं, जहां पर ऑलरेडी नीतीश कुमार जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर है, और यहां पर जयदीप शर्मा की बात करिए लेफ्ट कॉर्नर पोजिशन पर खेलते, यहां पर ऑलरेडी सुमित सांगवान जैसा बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद है, जो कि लास्ट सीजन बिल्कुल धमाका किया था। अब फ्रेंड्स बात करते हैं जयपुर पिंक पैंथर्स टीम के स्टार्टिंग 7 के बारे में। टीम की तरफ से आपको कैप्टेंसी करते हुए नजर आएंगे सुनील कुमार, जो कि लास्ट सीजन गुजरात जायंट्स के लिए खेले थे, राइट कवर पोजीशन पर खेलते आपको नजर आएंगे। टीम के मेन रेडर रहेंगे अर्जुन देसवाल, जो कि गाइस काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया था लास्ट सीजन जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए, इस बार इनको रिटेन किया गया और ये भी राइट साइड से आपको रेड करते हुए नजर आएंगे। टीम के सेकंड मेन रेडर रहेंगे शोमैन राहुल चौधरी, जो कि गाइस बोथ साइड रेडर है, यानी लेफ्ट साइड से भी रेड कर सकते हैं और राइट साइड से भी रेड कर सकते हैं। तो राइट साइड से ये लगभग 60% रेड करते हैं और लेफ्ट साइड से ये लगभग 40% के आसपास रेड करते हैं। इसके अलावा टीम के थर्ड मेन रेडर आपको दिखेंगे वी अजीत कुमार, जो कि लास्ट सीजन यू मुंबई के लिए बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया था, ये लेफ्ट रेडर है। टीम के डिफेंडर की बात करेंगे तो शाहुल कुमार, जो कि आपको राइट कॉर्नर पोजीशन पर खेलते हुए नजर आएंगे। अभी उत्तर प्रदेश जो अभी जीती है नेशनल जो गेम्स हुआ था गाइस कबड्डी का, उसमें उत्तर प्रदेश विनर रही थी और वहां पे शाहुल कुमार एज अ राइट कॉर्नर बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनको ज़रूर ट्राई कीजिए अपने फैंटेसी टीम्स के अंदर। अंकुश राठी, जो कि गाइस आपको नया चेहरा देखने को मिल सकता है, लेफ्ट कॉर्नर पोजीशन पर खेलते आपको नजर आएंगे। और ईरान के हैं रेजा मीरा बगेरी, जो कि गाइस आपको खेलते नजर आएंगे लेफ्ट कवर पोजीशन पे।
टीम के सब्स्टिट्यूट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको भवानी राजपूत दिखेंगे जो कि गाइस अगेन राइट रेडर है। लास्ट सीजन तमिल थलाइवस के लिए इन्होंने खेला था। नितिन पनवर जिनको गाइस मौका मिल रहा है ये भी राइट रेडर है। युवा कबड्डी सीरीज के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने किया था। नितिन चंडेल की बात करेंगे ये राइट कॉर्नर पोजिशन पर खेलते हैं। अभिषेक केस लेफ्ट कवर और यहाँ पर आपको दीपक राठी दिखेंगे राइट कवर पोजिशन पर खेलते हुए। सो मेरे हिसाब से दोनों ही टीमों का ये जो स्टार्टिंग सेवन है लगभग 90-95% यही रहना चाहिए और शायद कोई चेंज भी ना हो। टीम कॉम्बिनेशन की बात करें रेडर सेक्शन से अर्जुन देशवाल, सुरेंद्र गिल और राहुल चौधरी को पिक करके चल रहा हूँ। राहुल चौधरी को इसलिए ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा क्रेडिट मैनेज करा करके दे रहे हैं। दूसरा इनका रिसेंट में बहुत ज़्यादा शानदार है। एज अ कैप्टन टीम को फ्रंट से लीड किया और इनकी टीम नेशनल गेम्स 2022 के अंदर विनर हुई और काफ़ी अच्छी कैप्टेंसी के साथ साथ इन रेड भी डाले थे और अच्छी परफॉर्मेंस भी इनकी फाइनल मुकाबले के अंदर रहा था। अंडर प्रेशर कमाल की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इनसे देखने को मिला था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे प्रदीप नरवाल की तो इनको फिलहाल के लिए मैं ट्राई इसलिए नहीं कर पाया हूँ। पहला रीज़न है क्रेडिट। क्रेडिट काफ़ी ज़्यादा इनका हाई है, क्रेडिट मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरा इनका रिसेंट फॉर्म कंसर्न है। हरियाणा के लिए खेले थे नेशनल गेम्स 2022 के अंदर जो अभी हाल ही में ख़त्म हुआ 3-4 दिन पहले, उसमें इनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी। इसके अलावा वी अजीत कुमार आप चाहो ट्राई करने इनको भी कर सकते हो। अगेन मैं बोलूँगा क्रेडिट प्रॉब्लम है और मुझे लगता है इस बार ये टीम के लिए एज अ थर्ड मैनेडर खेलेंगे। राहुल चौधरी सेकंड मैनेडर रहेंगे अर्जुन देसवाल की बात, तो शायद इनको ज़्यादा रेड करने का मौका ना मिले। नितिन तोमर की बात करें तो गाइस आप चाहो तो इनको भी ट्राई कर सकते हो। क्रेडिट इनकी भी अगेन हाई है और दूसरी बात फॉर्म वही ओके है। ऑलराउंडर सेक्शन से बात करेंगे तो यहाँ पर मैं जो डिफरेंशियल पिक रेजा मीर वगैरह इनको ट्राई करते चल रहा हूँ जो कि आपको लेफ्ट कवर पोजीशन पर खेलते हुए नजर आएंगे। एज यू नो गाइस यूपी योद्धा के पास आपको दो लेफ्ट रेडर है तो इनके पास बहुत ज़्यादा मौका रहेगा उनको टैकल करने का, एक प्रदीप नरवाल को दूसरा नितिन तोमर को। रेजा मीर वगैरह हमारे डिफरेंशियल पिक होंगे और देखो डिफरेंशियल पिक शायद लास्ट तक ना रहे। रीज़न क्या है, मुझे लगता है ऑलराउंडर सेक्शन से सिर्फ यही एक सिंगल प्लेयर खेले तो सब लोग इनको ट्राई करेंगे। सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग लाइन में अगर ये रहेंगे तो मोस्टली लोग इनको ट्राई करेंगे। मैं चाहता हूँ इनके साथ साथ कोई और दूसरा प्लेयर खेले लेकिन वो शायद उसकी चांसेस बहुत कम लग रही है। जैसे गुरदीप को लोगों ने ट्राई किया, ये बंदा नहीं खेलेगा, ठीक है, या जब सब्स्टिट्यूट आ सकता है स्टार्टिंग सेवन में आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, ठीक है। इसके अलावा और किसी प्लेयर के यहाँ से स्टार्टिंग सेवन में खेलने की जगह नहीं बन रही है। डिफेंडर सेक्शन में आपको बहुत ज़बरदस्त अच्छे शानदार डिफेंडर देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पे मैं अपनी टीम में शाहुल कुमार को ट्राई कर रहा हूँ। अगेन ये राहुल चौधरी की टीम के लिए यानी उत्तर प्रदेश की तरफ से बहुत शानदार परफॉर्मेंस इन्होंने किया था। कमाल का ज़बरदस्त डिफेंस इन्होंने किया था और फाइनल मैच के अंदर भी आई थिंक 3-4 इन्होंने टैकल किए थे, ठीक है, तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करके देंगे। राइट कॉर्नर पोजिशन पर खेलते आप नजर आएंगे। यूपी योद्धा के पास आपको दिखेंगे दो लेफ्ट रेडर, उनका एंकल होल्ड कर सकते हैं, डबल एंकल होल्ड कर सकते हैं, इवन राइट रेडर को थाई होल्ड डबल थाई होल्ड कर सकते हैं। सुमित शांगवान को ट्राई कर रहा हूँ जो कि लास्ट सीजन अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा टैकल पॉइंट्स किए थे। इनफैक्ट नितेश कुमार को भी इन्होंने बीट कर दिया था। ये खेलता आपको नजर आएंगे लेफ्ट कॉर्नर पोजिशन पे। तो जैसा कि आपको पता है जयपुर पिंक पैंथर्स की इसके तरफ से जो मोस्टली रेड्स होंगे लगभग 70% रेड जयपुर पिंक पैंथर्स के तरफ से राइट साइड से होंगे तो इनके पास बहुत ज़्यादा मौके रहेंगे एंकल होल्ड डबल एंकल होल्ड करने का। राइट रेडर का चाहे आप राहुल चौधरी हो गए, अर्जुन देशवाल हो गए, ठीक है, और इनफैक्ट वी अजीत कुमार को जो लेफ्ट रेडर है उनको ये थाई होल्ड और डबल थाई होल्ड भी कर सकते हैं। इसके अलावा टीम में ट्राई करो आशु सिंह को। देखो ये प्लेयर मुझे बहुत शानदार लगता है और इस प्लेयर के अंदर टैलेंट है, 13 क्रेडिट के अंदर मिल जाएगा, मेरा क्रेडिट भी मैनेज करा करके दे रहा है। और दूसरी बात गाइस इस मुकाबले के अंदर एक गेम चेंजर पिक रहेगा। कैसे, देखो जैसा कि मैंने बताया अभी जयपुर के पास दो राइट रेडर है और लगभग 70% राइट साइड से ये बंदा खेलता है राइट कवर पोजीशन पर, इसके पास बहुत मौके रहेंगे टैकल करने का। सुनील कुमार को फिलहाल के मैं ट्राई नहीं किया हूँ, इनके पास ज़्यादा मौके आज के इस मैच के अंदर नहीं है क्योंकि यूपी के पास दोनों के दोनों लेफ्ट लेडर है और एक ही राइट रेडर है। तो सुरेंद्र गिल जिनके अगेंस्ट इनकी काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस रही है, लास्ट सीजन भी सुरेंद्र गिल डोमिनेट किए थे, इसलिए मैं फिलहाल के लिए इनको ट्राई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक ही राइट रेडर को इनके पास टैकल करने का मौका रहेगा और उनका रिकॉर्ड इनके सामने बहुत ज़्यादा शानदार है। नितेश कुमार को आप चाहो ट्राई करना, इनको कर सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, ये दोनों साइड के रेडर को ये टैकल कर सकते हैं। अबुजर मिकानी की खेलने की चांसेस मुकाबले के अंदर बेहद ही कम है। शुभम कुमार की अगर हम बात करते हैं तो इनकी भी मुझे इस मुकाबले में उतनी ज़्यादा रोल नज़र नहीं आ रही और किसी प्लेयर के मुझे चांसेस यहाँ पर नहीं लग रहे कि उनको खेलने का मौका मिलेगा। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, मैं कैप्टन अर्जुन देशवाल और वाइस कैप्टन सुरेंद्र गिल को ट्राई करके चल रहा हूँ। अदर चॉइस की बात करें आप राहुल चौधरी को यहाँ पर पिक कर सकते हो। इसके अलावा डिफेंडर सेक्शन से आप सुमित सांगवान और शाहुल कुमार को जरूर ट्राई कीजिएगा, मैं अपने तरफ से हाईली रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये जो मैच है ना
रेडर आपको बड़े बड़े दिखेंगे लेकिन डिफेंडर भी कोई कम नहीं, डिफेंडर बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस और इनफॉर्म डिफेंडर है। तो मेक श्योर आप डिफेंडर को ज़रूर कप्तान भी कप्तान कीजिए। ये ग्रैंडली का आज के इस मुकाबले के अंदर एक आप बोल सकते हो गेम चेंजिंग पॉइंट्स रहेगा। रीज़न क्या है, सभी जनता रेडर्स के ऊपर फोकस करेगी सीवीसी के लिए, बट आप लोग थोड़ा डिफेंडर्स पे भरोसा दिखा सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको हमारी टीम प्रीव्यू देखने को मिलेगी, लेकिन आपको मैं बता दूं ये मेरी फाइनल टीम बिल्कुल भी नहीं रहेगी। लाइनअप्स के बाद अगर कुछ भी चेंजेज होते हैं, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी स्मॉल लीग की, ग्रैंड लीग की, मेगा कॉन्टेस्ट की, सब कुछ कहाँ मिलेगा आपको, मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर पिंड किया मिल जाएगा। तो ज़रूर सब टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल कर देना।